एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हमें पता है कि एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोएफिशिएंट होता है उसे हम क्या मानते हैं, ए मानते हैं, एक्स के कोएफिशिएंट को बी मानते हैं, इसलिए एक्स के साथ बी है, और कॉन्स्टेंट को हम क्या मानते हैं, सी मानते हैं, इसलिए कॉन्स्टेंट की जगह सी लिखा है। हम क्या करने वाले हैं, हम इस इक्वेशन को कंप्लीटली स्क्वायर मेथड से सॉल्व करने वाले हैं और एक्स के आंसर्स लाने वाले हैं, मगर इस बार कोएफिशिएंट में नंबर्स तो नहीं है, इस बार कोएफिशिएंट में क्या लिखे हुए हैं, ए बी सी, यानी कि इस बार जो एक्स के आंसर्स आएंगे हमारे पास इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो एक्स की वैल्यूज आएंगी वो कोएफिशिएंट्स के तौर पर आएंगी, ऐसे ही है ना, मतलब एक्स के आंसर्स ए बी सी की फॉर्म में होंगे। ठीक, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला स्टेप, शिफ्ट द कॉन्स्टेंट टू राइट हैंड साइड, तो यहां पर हम जब शिफ्ट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स सी वहां पर जाकर किसमें हो जाएगा, माइनस में, क्योंकि कॉन्स्टेंट को आपने राइट हैंड साइड पर भेज दिया। सेकंड स्टेप, डिवाइडिंग बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बोथ साइड, ताकि एक्स स्क्वायर अकेला हो जाए और एक्स स्क्वायर को होल स्क्वायर में बंद करना आसान हो जाए, क्योंकि आप एक्स स्क्वायर को एक्स का होल स्क्वायर लिखते हैं। ठीक, लेकिन जब तक एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर होगा जाहिर सी बात है उसको होल स्क्वायर में बंद करना आप बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे अगर आप ऐसा करेंगे। तो ए ए से डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय ए बोथ साइड्स, हम दोनों तरफ ए से डिवाइड कर रहे हैं, तो ए एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए, बी एक्स डिवाइडेड बाय ए, नेगेटिव सी डिवाइडेड बाय ए। ए से डिवाइड करने से क्या फायदा हुआ, इधर ए से ए कैंसिल हो गया और हमारे पास नई शक्ल क्या निकली, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स ओवर ए इज इक्वल्स टू नेगेटिव सी ओवर ए। सेकंड स्टेप भी हो गया। थर्ड स्टेप, एडिंग वन ओवर टू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बोथ साइड्स, तो मुझे कोई बता गया कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, ये रहा एक्स, इसके साथ क्या लिखा हुआ है, नहीं, कोएफिशिएंट का मतलब है जो कुछ भी एक्स के साथ मल्टीप्लाइंग फॉर्म डिवाइडिंग फॉर्म में लिखा हुआ है सब कुछ कोएफिशिएंट है। तो टेल मी द कंप्लीट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, बी डिवाइडेड बाय ए, बी ओवर ए। लेकिन हमें ऐड क्या करना है, हमें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वन ओवर टू के साथ मल्टीप्लाई करवाकर दोनों तरफ ऐड करना है और दोनों तरफ क्या करना है, होल स्क्वायर भी लेना है। ठीक, तो एक तरह से क्या बन रहा है, ये बी ओवर टू ए बन रहा है, वन बी जा बी, तो हम क्या ऐड करने वाले हैं दोनों तरफ, एडिंग बी ओवर टू ए बोथ साइड्स। कैसे कि हमने सिंपल इस फॉर्मूले से वन ओवर टू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, तो वन ओवर टू तो हम खुद से लाते हैं, मैंने आपको बता दिया क्यों लाते खुद से, क्योंकि अभी जब हम फॉर्मूला बनाने वाले होंगे तो खुद से क्या लाएंगे, मल्टीप्लाइंग फॉर्म में टू लाएंगे, हम लिखेंगे टू ए बी, तो ये वाला जो टू जो नीचे डिवाइड कर रहा है वो उस टू को क्या करेगा, बैलेंस कर देगा, इसलिए हम खुद से वन ओवर टू लाते हैं। और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का बी ओवर है, ये वन ओवर टू से मल्टीप्लाई होकर बन गया बी ओवर टू है, और होल स्क्वायर तो हमें साथ लगाना है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अब हम तीन टर्म्स चाहिए ना, दो टर्म्स तो मौजूद है, फर्स्ट टर्म और मिडिल टर्म, थर्ड टर्म भी क्या होती है, होल स्क्वायर होती है, तो यही वजह है कि हम ऑलरेडी रेडीमेड होल स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करते हैं। तब हम क्या लिखेंगे, एडिंग बी ओवर टू ए का होल स्क्वायर बोथ साइड्स, हम दोनों तरफ बी ओवर टू ए का होल स्क्वायर ऐड करने जा रहे हैं। जी, तो हमें फॉर्मूले से पता चला कि हमें बी ओवर टू ए का होल स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करना है। ठीक, तो बाकी तमाम टर्म्स हम एज इट इज कॉपी करेंगे, एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस बी एक्स ओवर ए एज इट इज, और प्लस साइन के बाद बी ओवर टू ए का होल स्क्वायर, ये हमने ऐड किया, और इक्वल टू के बाद नेगेटिव सी ओवर ए के साथ भी हमने ऐड किया बी ओवर टू ए का होल स्क्वायर। अब यहां पर हम फॉर्मूला फॉर्म बनाएंगे, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो आपको पता है एक्स स्क्वायर को तो आप एक्स का होल स्क्वायर लिख देते हैं, और थर्ड होल स्क्वायर तो पहले से ही तैयार है, थर्ड टर्म जो होल स्क्वायर में होती है। अब आप सिंपल क्या करेंगे, टू के बाद पहले ब्रैकेट के अंदर वैल्यू देखकर पहले लिख दें, पहले ब्रैकेट में पहले होल स्क्वायर में क्या है, एक्स है, इधर एक्स आ गया। अच्छा, आखिरी होल स्क्वायर में क्या है, बी ओवर टू है, यहां से बी ओवर टू है देखकर यहां लिख दें, और आप चाहें तो अपनी तसल्ली के लिए मिडिल टर्म को ऊपर मौजूद मिडिल टर्म से चेक कर सकते हैं, ये ऑटोमेटिक खुद ब खुद बैलेंस होगी, आपको इसको बैलेंस करने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी होगी, क्योंकि आप जानते हैं मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग फॉर्म में ऊपर नीचे सेम वैल्यूज क्या हो जाती हैं, कैंसिल हो जाती हैं, तो इधर ऊपर वाले टू से नीचे वाला टू क्या हो जाएगा, कैंसिल, और हमारे पास सिर्फ क्या रह जाएगा, बी एक्स ओवर ए, यही तो यहां लिखा हुआ है। ठीक, खैर हमें कैंसिल नहीं करना, क्योंकि अब हमें अगले स्टेप में इस फॉर्मूले को बंद करना है, क्योंकि ये फॉर्म ए प्लस बी के होल स्क्वायर के इक्वल होती है, और यहां पर आए तो नेगेटिव सी ओवर ए एज इट इज, और प्लस साइन के बाद जब स्क्वायर बी पर आ जाए तो क्या बनेगा, बी स्क्वायर,
और जब 2a पर आएगा तो स्क्वायर 2 पर आकर क्या हो जाएगा 4, और स्क्वायर a पर आकर क्या हो जाएगा a स्क्वायर, राइट। अब हम यहां पर इसको a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्मूले में बन जब करेंगे तो ये बन जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। a का मतलब पहले होल स्क्वायर के अंदर मौजूद वैल्यू यानी कि x, और b का मतलब थर्ड क्रम में जो होल स्क्वायर है उसके ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू। ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है b ओवर 2 है, तो बस जो ब्रैकेट के अंदर लिखा था वो उठा के हमने यहां लिख दिया। और यहां इन दोनों को ऐड करने के लिए जब दो फ्रैक्शंस आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होती है हम क्या करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं। तो यहां पर हम इनको ऐड करने के लिए एलसीएम लेंगे, और एलसीएम में जब वेरिएबल्स हो तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि वेरिएबल को आप एक ही बार लिखे बस उसकी हाईएस्ट पावर लिखते हैं, और नंबर में इधर 1 और इधर 4 है तो नंबर में भी जाहिर सी बात है एलसीएम में 4 आ जाएगा क्योंकि 1 और 4 दोनों के टेबल में 4 आता है। उसके बाद यहां पर वेरिएबल ए है और ए की पावर इधर 1 है और इधर ए की पावर क्या है 2 है, तो एलसीएम में हम लिखते हैं हाईएस्ट पावर। तो हम यहां ए की क्या पावर लगाएंगे पावर 2, ठीक, यानी कि 4a स्क्वायर सिंपल एलसीएम हो गया, राइट। ए 4a स्क्वायर एलसीएम होने के बाद आप जानते हैं हम एलसीएम को कैसे मैनेज करते हैं, ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जब कभी भी आप एलसीएम को मैनेज करते हैं तो कैसे करते हैं, आप सबसे पहले एलसीएम को डिवाइड करवाते हैं डिनोमिनेटर से, फिर जो रिजल्ट आता है उसे आप किससे मल्टीप्लाई करवा देते हैं न्यूमिनेटर से। तो जरा पहली फ्रैक्शन को देखिए, पहली फ्रैक्शन क्या है नेगेटिव सी ओवर ए, ठीक, इसमें डिनोमिनेटर कौन है ए है, और एलसीएम क्या है 4a स्क्वायर है, तो एलसीएम की जगह लिख दीजिए 4a स्क्वायर, डिनोमिनेटर की जगह लिख दीजिए a। अब ऊपर a स्क्वायर का मतलब 2a मल्टीप्लाइंग फॉर्म में, तो नीचे वाले a के से ऊपर वाला a के कैंसिल हो जाएगा और ऊपर सिर्फ a की पावर 1 रह जाएगी, मतलब रिजल्ट क्या आया 4a आया। अब 4a का क्या करना है मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर, अभी हम फर्स्ट फ्रैक्शन पे काम कर रहे हैं, व्हाट इज द न्यूमरेटर ऑफ फर्स्ट फ्रैक्शन नेगेटिव c, तो यही 4a माइनस c से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा माइनस 4ac। यहां पर हमने क्या लिख दिया माइनस 4ac, और प्लस साइन के बाद अब सेकंड फ्रैक्शन की बारी, सेकंड फ्रैक्शन में फिर ये फॉर्मूला लगा दें एलसीएम की जगह क्या लिख देंगे 4a स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, सेकंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या है 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर कैंसिल, रिजल्ट क्या आया 1, 1 का क्या करेंगे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवाएंगे, सेकंड फ्रैक्शन का न्यूमरेटर क्या है मतलब फ्रैक्शन में ऊपर वैल्यू क्या लिखी हुई b स्क्वायर, 1 को जब आप b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा b स्क्वायर आ जाएगा। ये वो ट्रिक है जो किसी भी लेवल के एलसीएम को, कैसे भयानक एलसीएम क्यों ना हो, आप जब कभी भी किसी भी किस्म की फ्रैक्शन को आइडिया सेपरेट कर रहे हो, चाहे वो अलजबरा की हो, चाहे वो सिंपल नंबर्स की हो, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री की हो, चाहे वो किसी भी किस्म की फ्रैक्शंस हो, ये वो मास्टर ट्रिक है जिससे आप हर किस्म की फ्रैक्शंस को थ्रू एलसीएम ऐड और सबट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट। चलिए जी, तो x प्लस बी ओवर 2a का होल स्क्वायर एज इट इज, और इक्वल्स टू के बाद इसको मैं प्लस वाली वैल्यू को पहले और 4ac को बाद में लिख दूं, क्योंकि ऐड सबट्रैक्ट में आप टर्म्स को चेंज कर सकते हैं उनकी तरतीब को, साइन तो टर्म्स का उस वक्त तब्दील होता है जब आप शिफ्ट करें लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पर, एक ही साइड पर रहते हुए आप शफलिंग कर सकते हैं, बस प्लस की वैल्यू प्लस में रहेगी और माइनस की वैल्यू माइनस में रहेगी। अब जब आप प्लस बी स्क्वायर को शुरू में लिखेंगे तो क्या बी स्क्वायर के साथ प्लस लगाने की जरूरत है हमें, क्योंकि फर्स्ट टर्म के साथ अगर आप कोई साइन ना लगाएं इसका क्या मतलब है वो प्लस है, और अगर आप प्लस लगा दें तो कोई टेंशन थोड़ी, आपने कुछ गलत थोड़ी किया है, प्लस लगाना अलाउ है, लगाना चाहे लगा दें। और माइनस साइन के बाद 4ac आ गया क्योंकि 4ac नेगेटिव था, और डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर ये एज इट इज। अब आप अच्छी तरह से बात जानते हैं कि हमें यहां स्क्वायर को कंप्लीट करते ही क्यों है, ताकि फौरन स्क्वायर रूट लें और उड़ा दें स्क्वायर को, तो आप टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, ये लिखने के बाद आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई कर लेंगे, आपने दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई कर लिया, यहां तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया और इधर रह गया x प्लस बी ओवर 2a, जबकि इधर स्क्वायर रूट एक फ्रैक्शन पर है और आप चाहें तो फ्रैक्शन में मौजूद न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पर अलग अलग स्क्वायर रूट अप्लाई कर सकते हैं, तो मैं ऊपर ये स्क्वायर रूट लगा रहा हूं बी स्क्वायर माइनस 4ac अलग, और नीचे मैं 4a स्क्वायर पर अलग से स्क्वायर रूट लगा रहा हूं, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड अलग अलग स्क्वायर रूट अप्लाई करने की इजाजत देते हैं, मगर ये काम आप एड सबट्रैक्ट होने वाली वैल्यूज में नहीं कर सकते, यानी कि लिखा हुआ अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 तो ये नहीं कर सकते आप उसको एक ही रूट में 2 प्लस 5 लिखते हैं, लेकिन अगर ये लिखा हो अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 5 तो आप उसको लिख सकते हैं एक ही रूट में 2 मल्टीप्लाई बाय 5,
तो मल्टीप्लाई डिवाइड में इजाजत है, प्लस माइनस में इजाजत नहीं। तो हमने इस इजाजत का इस्तेमाल करते हुए इसका फायदा उठाया। नेक्स्ट स्टेप में हम 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो आपको पता है 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, वो नंबर जो खुद से मल्टीप्लाई और 4 लाए वो 2 होता है। और a स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, a, क्योंकि आपको पता है कि वेरिएबल का स्क्वायर रूट लेने का मतलब क्या है, उसकी पावर हाफ हो जाती है। वेरिएबल का स्क्वायर रूट लेने की पावर हाफ कैसे हो जाती है, अगर आप x की पावर 6 का स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो आपको पता है स्क्वायर रूट लेने से पावर हाफ होती है, यानी कि क्या बन जाएगा, x क्यूब। तो इसकी लॉजिक क्या, आपको पता है रेडिकल जो है, ये जो स्क्वायर रूट है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है होल पावर 1 ओवर 2, और ब्रैकेट के बाहर वाली पावर ब्रैकेट के अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई होती है। तो 1 ओवर 2 को हाफ भी तो कहते हैं, तो जब कोई नंबर हाफ से मल्टीप्लाई होगा तो वो हाफ हो जाएगा ना, यानी कि 2 1 2 और 2, क्योंकि जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 6 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 2 बनेगा, तो 2 से 6 क्या हो जाएगा, कैंसिल और 3 रह जाएगा। तो इस वजह से जब आप किसी भी वेरिएबल का स्क्वायर रूट लेते हैं, याद रखिएगा उसकी पावर हाफ हो जाती है, और उसकी उसका रीजन ये था, उसकी लॉजिक ये थी। साथ ही साथ हम b ओवर 2 को वहां भेज रहे हैं, तो b ओवर 2 इधर प्लस में है, वहां जाके किसम हो जाएगा माइनस b ओवर 2 है, ठीक। और एक बात और ध्यान में रखिएगा, जब आप स्क्वायर रूट अप्लाई कर लेते हैं तो स्क्वायर रूट से बाहर आने वाली वैल्यू के साथ क्या लग चुका होता है, प्लस माइनस, क्योंकि हर वैल्यू के दो स्क्वायर रूट होते हैं, एक प्लस में और एक माइनस में। तो प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 4 का स्क्वायर रूट 2, और ए स्क्वायर की पावर हाफ होकर 1 रह गई, पावर 1 लिखते नहीं है। अब फिर दो फ्रैक्शंस हैं, एड सबट्रैक्ट हो रही हैं, फिर क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एक्स विल बी इक्वल्स टू एलसीएम क्या आ गया, 2a। अब फिर भाई एलसीएम को डिवाइड करवाएंगे डिनोमिनेटर से, वहां लिखा हुआ है साइड में फॉर्मूला, 2a को जब आप 2a से डिवाइड करवाएंगे तो सब कुछ कैंसिल होकर क्या रह जाएगा, 1, क्योंकि 2a 1 2a होता है। इस 1 का क्या करेंगे, ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवाएंगे, न्यूमरेटर क्या है माइनस बी, 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस बी, माइनस बी। फिर ये डिनोमिनेटर, ये एलसीएम डिनोमिनेटर से डिवाइड होगा, तो एलसीएम 2a, डिनोमिनेटर भी 2a, फिर 2a ऊपर 2a नीचे, पूरा कैंसिल, क्या रह गया 1, 1 न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, न्यूमरेटर क्या है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फिर एज आ जाएगा। तो यू जब हमने इस सवाल को सॉल्व किया तो हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई, एक माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, और एक माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac 2a, जिसको आप दोनों वैल्यूज को एक साथ लिख सकते हैं, एक साथ प्लस माइनस की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मुबारक हो, अल्लाह की मदद से अभी अभी यहां पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पैदा हो चुका है। ये इस वक्त आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को अपनी आंखों के सामने बनते देखा है, और अब आपके पास समझ में आ गई है कि फर्ज कर लें अगर यहां ए नहीं होता, अगर यहां एक्स स्क्वायर के साथ 8 होता, या बी नहीं होता बल्कि इसके साथ 6 होता, या सी नहीं होता बल्कि इधर 11 होता, तो आप ए को क्या मान लेते, 8, बी को क्या मान लेते, 6, सी को क्या मान लेते, 11। और इस पूरे प्रोसेस से बचने के लिए आप डायरेक्ट, आपने क्या रटा हुआ है, जवाब रटा हुआ है, डायरेक्ट जवाब के रटने को फॉर्मूला कहते हैं। फॉर्मूला आपको प्रॉपर स्टेपिंग से बचाता है, तफसीली स्टेप से बचा लेता है फॉर्मूला आपको। फॉर्मूला बहुत सारे वो स्टेप जिसमें आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, उनसे फॉर्मूला आपको बचाकर डायरेक्ट जवाब रटवा देता है कि अगर ये फॉर्म है ना तो उसका ये जवाब है, रट लो, रट्टा लगा लो। तो यूं हमें पता है कि जब एबीसी की फॉर्म में सवाल को सॉल्व किया गया था तो ये जवाब आया था। अब हम डायरेक्ट जवाब लिखते हैं और इस जवाब को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो सवाल में जो ए की जगह लिखा दिखाई देता है उसको हम ए की जगह रख देते हैं, फॉर्मूले में जो बी की जगह लिखा दिखाई देता है उसको हम बी की जगह लिख देते हैं, और फॉर्मूले में जो सी की जगह लिखा दिखाई देता है उसको हम सी की जगह रख देते हैं। फिर जस्ट ऐड सबट्रैक्ट करते हैं और हमारे पास वो बस थोड़ा सा हमें सिंप्लीफाई करना होता है आगे, यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करने के बाद आगे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होता है, ठीक। तो मैं अल्लाह के बाद मैथमेटिशियन को भी थैंक्स कहना चाहिए जिन्होंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अलाउ किया कि आप इसको रट लें, क्योंकि अगर ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं होता तो अभी तक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ही चल रहा होता। और जब हम सवाल शुरू करते हैं ना, याद शुरू करते, ये सब कुछ करते बैठकर, सब कुछ काफी देर बाद यहां आते, उसके बाद फिर यहां से काम शुरू होता, लेकिन लगा लो डायरेक्ट रट्टा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये जवाब होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2 है, इसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और यहां पर डायरेक्ट वैल्यूज पुट करके जवाब लाया जा सकता है। तो अब आप ए बी सी को कोई भी रोल दे दें, वही रोल उठा के इधर पुट कर लेंगे,
यही वजह है कि फॉर्मूले जनरलाइज फॉर्म में बनाए जाते हैं, यानी कि वेरिएबल्स की फॉर्म में, एबीसी की फॉर्म में। अदरवाइज आपने जितने भी फॉर्मूले याद किए सब सिंप्लीफाइड, यानी कि अगर आपने याद किया हुआ है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस टू बी प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक, और कहीं पर लिखा हुआ जाता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बताओ किसके इक्वल होगा, तो आप फौरन अपने रट्टे से बता देंगे कि बराबर होगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर के, फौरन बता देंगे रट्टे से। लेकिन फर्ज कर लें अगर हमें रट्टे की इजाजत नहीं होती, अगर फॉर्मूला का वजूद नहीं होता तो हमारा कितना वक्त लगता और हमें कितना मेहनत से प्रॉपर स्टेप्स करके जवाब तक पहुंचना पड़ता, क्योंकि ए प्लस बी के स्क्वायर का क्या मतलब होता, ए प्लस बी के स्क्वायर का मतलब होता ए प्लस बी के ब्रैकेट को दो बार लिखिए और मल्टीप्लाई कीजिए, फिर आप ए को बारी बारी दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करवा दे, ए को ए से मल्टीप्लाई करवा दे तो ए स्क्वायर, ए को बी से मल्टीप्लाई करवा दे तो ए बी, फिर बारी बारी बी को दोनों से मल्टीप्लाई करवा दे, बी को ए से मल्टीप्लाई करवा दे तो ए बी, और बी को बी से मल्टीप्लाई करवा दे तो बी स्क्वायर। अब सेम टर्म्स ए बी हैं और ये कितनी है, दो है, तो आप ए बी एड करके क्या लिखते हैं, टू ए बी। तो यू हमारे दो स्टेप बच गए, वक्त बच गया, चीजों को वक्त बचाना, चीजों को शॉर्ट करना, इसी को तो तरक्की कहते हैं। तो फॉर्मूले का मतलब यह है कि विदाउट डूइंग प्रॉपर स्टेप इफ यू आर अलाउड टू राइट द आंसर और द मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म डायरेक्टली, इट मींस दैट यू आर अप्लाइंग अ फॉर्मूला। ये फॉर्मूले की लॉजिक है। तो यू हर फॉर्मूले के पीछे याद रखिएगा, जो भी फॉर्मूला आप रखते हैं उसके पीछे डी डिवाइड एम मल्टीप्लाई ए एड और एस सब्ट्रैक्ट यही चल रहा होता है। हर स्टेप में हमने यही किया, कहीं डिवाइड किया तो कहीं मल्टीप्लाई किया, कहीं ऐड किया तो कहीं सब्ट्रैक्ट किया है। समझ में आ गई बात? और सबसे बढ़कर क्या ये समझ में आ गया कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अब्बू मेथड क्यों है? क्योंकि किसका अब्बू है? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का अब्बू है, क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के अब्बू जी ही के पास हम गए थे, तो हमने उनको देखा कि उनकी गोद में फॉर्मूला पाया जाता है। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के अब्बू हुए, यह बात साबित हुई। ठीक ठीक है क्लास, इंशाल्लाह कल हम एक आध सवाल कंप्लीट स्क्वायर से और कर लेंगे, अदरवाइज अब हम नेक्स्ट फेज में दाखिल होंगे इंशाल्लाह, जहां पर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे।